नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरी दुनिया से अलग है। शायद यही वजह है कि इस नगरी को सबसे प्राचीन और जीवंत शहर कहा जाता है। आपने काशी के इतिहास और यहाँ के मंदिरों की अनोखी और पौराणिक मान्यता को पुस्तकों में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम की दीवारों पर जल्द ही इन कहानियों को लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर लेजर शो का आयोजन होगा। रंग बिरंगी लाइट संग बाबा विश्वनाथ के गंगा द्वार की दीवारें श्रद्धालुओं को भगवान शिव की कथा बताएंगे। लेजर शो का ट्रायल भी गंगा द्वार पर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में ट्रायल पूरा हो जाएगा। पुणे की एक कंपनी धाम की दीवारों पर इसका ट्रायल कर रही है। वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि CSR फंड से धाम के गंगा द्वार पर लेजर शो कराया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद देव दीपावली से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस लेजर शो के काशी के महत्व के साथ शिव और बाबा विश्वनाथ के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी जाएगी। केदार उत्तमम आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यह कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह। इस लाइट एंड शो के शुरू होने के बाद 84 घाटों में से एक शीतला मैया घाट अलग ही कलेवर में नजर आएगा। रंग बिरंगी रोशनी की छटा इसे और खूबसूरत बनाएगी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ललिता घाट का नाम अंकित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ, जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में माँ दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। घाट पर साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर, वर्तमान में सुशोभित यह ललिता घाट पूर्व में 3 भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट, इनका उल्लेख सन 1930 में मोती चंद्र जी ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है, तो वहीं
राज राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राज राजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हुए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास की कृष्णा तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान कर देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज़।